हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो नया लैपटॉप या पीसी है वो परचेज करके ले आ जाते हैं। इन फ्यूचर वो कभी भी विंडो चेंज करते हैं, उसके बाद में उनको अफसोस रहता है कि पीछे जो आप कंपनी से लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके आए थे वहाँ से आपको ओरिजिनल विंडो मिला था और अब आपके पास ओरिजिनल विंडो नहीं है। तो आप विंडो चेंज करने की सोच रहे हो, उससे पहले यदि आपका कंपनी का जो ब्रांडेड विंडो आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर आया हुआ है उसकी हम लोग की है वो कैसे चेक करेंगे, या हम लोग उस की को एक जगह पर नोट कर लेंगे और इन फ्यूचर हम जब भी विंडो चेंज करेंगे तो उस की का यूज़ है वो लेंगे, तो कैसे की जानेंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ओरिजिनल विंडो की है हम वो कैसे निकालेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पर ध्यान रहे, यदि आपका विंडो ओरिजिनल है तभी वो की आएगी, यदि आपके पास डुप्लीकेट विंडो है तो वो की नहीं आएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, चल के देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग उस विंडो की को कैसे एक कमांड के जरिए लाएंगे और फिर नोट कर लेंगे। इन फ्यूचर हम जब भी विंडो चेंज करेंगे तो उस की का हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमारा जो कॉपी विंडो है वो ओरिजिनल विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और जाके देखते हैं। दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर बटन है वो प्रेस करना है, तब आपके पास ये रन वाला सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको टाइप करना है CMD, ठीक है। तो वो मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको जो है CMD इसके अंदर है वो इस तरीके से टाइप करना है जो आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको CMD है वो टाइप करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इंटर है वो प्रेस कर देना है, तब आपके पास CMD यानी कमांड मोड है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको टाइप करना है, तो सिंपली आपको ये टाइप करना है WMIC पाथ सॉफ्टवेयर लाइसेंस सर्वर गेट OA3XO, उसके बाद ओरिजिनल प्रोडक्ट की, ये सब आपको कमांड मोड के अंदर टाइप करना है। HTS आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से आप कॉपी करके भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, इंटर है वो यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तब आपके सामने विंडो की है वो आ जाएगी। विंडो की को मैं थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ ताकि ये प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए ब्लर कर रहा हूँ, बाकी आपके सामने विंडो की है वो ओपन हो जाएगी। वो विंडो की आप किसी भी पेज पर लिख सकते हो, जहाँ पर आपको लिखनी है वहाँ पर लिख लेना, ताकि इन फ्यूचर आप जब भी विंडो चेंज करो तब वो प्रोडक्ट की आपके उस विंडो के अंदर है वो काम आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको नॉलेज मिल रहा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से सिंपली आप अपने विंडोज़ की है वो ईजिली निकाल सकते हो और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उस की का वो यूज़ ले सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाले हैं आपको टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।